हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो और काफ़ी दिनों से भाई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि होंडा S125 का न्यू मॉडल का क्या अपडेट है, कब तक ये बाइक आएगी, इसमें क्या चेंजेस नए हो सकते हैं और प्राइस वगैरह कितनी क्या रहेगी और कब ये लॉन्च होगी। काफ़ी सवाल है भाई लोगों के होंडा S125 के न्यू मॉडल को लेके। तो आज के इस वीडियो में अपन उन सवालों का जवाब देंगे और काफ़ी कुछ मैं इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि होंडा S125 का न्यू मॉडल अभी तक क्यों नहीं आया है और कोई भी अपडेट उस मॉडल की क्यों नहीं निकल के आ रही है। तो छोटा सा वीडियो होने वाला है ये होंडा S125 के बारे में, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को लाइक का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स। जितने भी SP लवर है वीडियो को लाइक करें और चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो यार, जितने भी बाइक लवर्स हैं उनके लिए आज एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन मैं लेके आया हूँ और इस एप्लीकेशन का नाम है कुकू FM। यहाँ पर काफ़ी सारे आपको इन्फॉर्मेशन की किताबें मिल जाएगी जिनको आप सुन सकते हैं। काफ़ी भाई लोग मेरे से पूछते हैं कि यार आपको बाइक्स की इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, तो यहाँ पर किताबें काफ़ी अवेलेबल है जो कि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा हूँ। अभी मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ वो है टेस्ला द कार ऑफ फ्यूचर। इसमें टेस्ला कंपनी के बारे में, कार के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं रेगुलर सुन रहा हूँ। तो अगर आपको भी यार ऐसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे किताबें पढ़ सकते हैं, मतलब सुन सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी किताबें मिल जाती हैं और आप इनको अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी सुन सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारी किताबें हैं। इसके अलावा ये जो है मेड इन इंडिया है, तो यहाँ पर यार अपना देश का प्रोडक्ट है तो काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं मेरे लिंक के थ्रू तो आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पे जो इसकी प्राइस है सब्सक्रिप्शन की वो है 399, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जाइए यार, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, इसको डाउनलोड करो और आप भी यहाँ पे किताबें सुनो और अपनी जो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ा सकते हो। तो यार, जैसा कि आपको पता कि हीरो कंपनी अभी अपने बाइक्स में काफ़ी बड़े अपडेट्स कर रही है। स्प्लेंडर प्लस में यहाँ पे न्यू मॉडल दिया है, स्प्लेंडर एक्सटेक, पैशन प्रो में भी नया मॉडल दे दिया है पैशन प्रो एक्सटेक और यहाँ पे फुल डिजिटल मीटर कंसोल दिया है, काफ़ी शानदार मीटर कंसोल दिया है। वहीं पर बात करें होंडा कंपनी की, तो होंडा ने भी लीवो का न्यू मॉडल निकाला था जनवरी फरवरी में। उसमें ग्राफिक्स वगैरह थोड़े चेंज किए, तो थोड़ा सा लुक उसका चेंज किया था, हालांकि कोई बड़ा अपडेट उसमें नहीं किया गया था। लेकिन जो सबसे ज़्यादा डिमांड है अभी, जितने भी लोग वेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं होंडा S125 के न्यू मॉडल का। यार होंडा S125 का न्यू मॉडल कब आएगा और कब तक इस बाइक को अपडेट किया जाएगा? तो देखो यार, बात ऐसी है कि जो होंडा S125 है उसमें आपको सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जितने भी फीचर आपको चाहिए सारा देखने को मिल जाते हैं। मीटर कंसोल में काफ़ी शानदार फीचर है उसमें। यहाँ पे कंपेयर करें इस सेगमेंट में तो उसके हिसाब से काफ़ी अच्छे फीचर अपने को देखने को मिल जाते हैं। रियल टाइम माइलेज, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इस टाइप के सारे आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं पर बात करें इसके लुक्स के बारे में, तो उसमें लुक्स भी काफ़ी शानदार हैं, काफ़ी अच्छे लुक्स देखने को मिल जाते हैं और एक दो नए ग्राफिक्स वगैरह भी होंडा ने भी इसमें लॉन्च किए थे, लेकिन कोई भी बड़ा अपडेट इसमें नहीं किया है। वहीं पर बात कर सकते कंपटीशन में रेडर 125 की, तो रेडर 125 काफ़ी शानदार बाइक है यार और काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पर डिज़ाइन वगैरह है, लुक्स काफ़ी शानदार हैं। तो इस सेगमेंट में यार सबसे बेस्ट बाइक अपन कह सकते हैं कि अभी आज के टाइम में रेडर 125 है। वहीं पर होंडा S125 है, वो लुकिंग वाइज यार इतनी मतलब अब अग्रेसिव नहीं है, क्योंकि पहले जब इसको लॉन्च किया था तब काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जब से रेडर आई है लोग रेडर को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसकी जो बुकिंग है यार, एक एक डेढ़ डेढ़ महीने की बुकिंग है और वो भी बाइक नहीं मिली लोगों को, काफ़ी लोग इस बाइक को पसंद कर रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा बहुत इससे जो होंडा SP है उसकी सेल पर थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ा है। हालांकि TVS का जो प्रोडक्शन है होंडा के जितना नहीं है, तो यहाँ पर TVS इस बाइक की जो डिमांड है पूरी नहीं कर पा रही है, उसी का फ़ायदा हो रहा है होंडा S125 को। तो S125 का न्यू मॉडल अभी तक यार इसलिए लॉन्च नहीं हुआ है क्योंकि इसकी जो सेल है काफ़ी अच्छी हो रही है, और किसी भी बाइक का जो न्यू मॉडल तभी लॉन्च किया जाता है जब उसकी सेल कम हो जाती है, फिर लोग उसमें इंटरेस्ट लेना थोड़ा कम कर देते हैं। तभी SP की यार सेल काफ़ी अच्छी है और जो यहाँ पे होंडा साइन है वो भी काफ़ी अच्छी सेल हो रही है। यहाँ पे जो टॉप सेलिंग बाइक होती है अपने इंडिया में, उसमें तीसरे चौथे नंबर पर हमेशा ये बाइक रहती है, तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी जो सेल है कितनी अच्छी है। यहाँ पर ये बात करें कि इसका नया मॉडल कब तक लॉन्च किया जाएगा, तो यार अभी तक तो यहाँ पे कोई भी रूमर्स वगैरह निकल के नहीं आए। हालांकि बीच बीच में रूमर्स निकल के आते रहते थोड़े बहुत कि हाँ इसका नया मॉडल दिवाली तक आ सकता है, लेकिन कोई भी कंफर्म अभी तक ऐसा नहीं आया है कंपनी की तरफ से कि इसका नया मॉडल दिवाली तक आएगा। हो सकता है इसमें ग्राफिक्स वगैरह थोड़े चेंज कर दिए जाए, लुक्स वगैरह थोड़े से चेंज कर दिए जाए, ऐसा करके एक अपडेटेड मॉडल आ सकता है। हालांकि पूरी बाइक न्यू नहीं रहेगी, थोड़ा सा इनका जो है न्यू मॉडल आ सकता है जिसमें थोड़े वो चेंजेस की जा सकते हैं। बाकी आप में से कौन भाई लोग इस बाइक का वेट कर रहा है, कितने भाई लोग ये वेट करें कि बाइक जल्दी से जल्दी लॉन्च हो, मुझे कमेंट करके बताना यार।
मेरे को तो यार काफ़ी पसंद है ये बाइक, और इसका जब न्यू मॉडल आएगा तो आते ही अपन इसको परचेस कर लेंगे, क्योंकि होंडा एस पी 125 पिछले मैं 1.5 साल से चला रहा हूँ, और इसका जो माइलेज है और जो इंजन का स्मूथनेस है काफ़ी शानदार है, मतलब ओवरऑल बाइक काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे जैसे इसका न्यू मॉडल आएगा मैं तो भाई इसको परचेज करने वाला हूँ। तो बस यार यही तक छोटा सा वीडियो इस बाइक के बारे में, काफ़ी लोग पूछे कब तक आएगा नहीं आएगा, तो छोटा सा वीडियो बना के आपको बता दिया है। बाकी आपको ये मुझे कमेंट करके बताना 125 सीसी में आपकी फेवरेट बाइक कौन सी है, कौन सी बाइक आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, मुझे कमेंट करके बताना। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आगे भी आपको इसी टाइप के बाइक की वीडियो देखने को मिलते रहें। और बाकी कोई भी बाइक न्यूज़ वगैरह आपको ज़्यादा चाहिए होती इन्फॉर्मेशन, तो आप कुकू FM को डाउनलोड कर सकते हो, काफ़ी किताबें हैं वहाँ पे जो आप सुन सकते हो और बाइक वगैरह की नॉलेज ले सकते हो। तो बस यार यही था आज के इस वीडियो में, यहीं पे एंड करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।